तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा मंदिर तुंगनाथ मंदिर। वहाँ का पहुँचने का जो एहसास होता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट शिवा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है ये, और यह समतल से 3700 फीट ऊंचाइयों पे है और देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले चोपता में स्थित है। और यहाँ का जो खूबसूरत वादियाँ हैं, नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर, जो कि सबसे हाईएस्ट शिवा मंदिर है। और अभी हम लोग 1 किलोमीटर चढ़ाई कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग बाबा तुंगनाथ जी का यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं और आधे किलोमीटर बचे हैं, और हम लोग आराम से रुक रुक के यात्रा कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, 3 घंटे का रास्ता है, और आपको रुक रुक के आराम आराम से चढ़ाई करना है। और जगह जगह पे यहाँ पे लिखा गया है कि शॉर्टकट आपको बिल्कुल आजमाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और शॉर्टकट में जो है कच्ची पहाड़ी है, तो वो खिसकने का भय रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान देते हुए चढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप घोड़े से भी चढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चढ़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन तो भगवान शिव भोले शंकर का नाम लेते लेते आप चढ़िए, कोई भी यात्रा आराम से नहीं मिल जाता है और थोड़ी आपको कठिन परिश्रम करके ही यात्रा मिलेगा। तो हम लोग सभी लोग 5 जन यात्रा कर रहे हैं और 1 किलोमीटर बचे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है और मुझे थोड़ा सा फिजिकल भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बर्फ़बारिश होने लगी थी, तो जिनके पास रेनकोट था उन्होंने अपना रेनकोट पहन लिया। हम लोग रेनकोट नहीं लेकर के आए थे, अम्ब्रेला लिए थे, तो हम लोग अपना अम्ब्रेला लगा करके और चढ़ाई करते हैं। अब जब भी आप चढ़ाई करो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप अपना पैर बर्फ़ पे मत रखो। कोशिश करो कि अगर आप बर्फ़ पे रख भी रहे हो ना, या फिर अगर आप चढ़ाई कर रहे हो ना, तो हमेशा ग्रिप वाला शूज पहन के आओ, क्योंकि ग्रिप वाले शूज पे पैर आप जहाँ रखोगे ना वो आपका फिसलेगा नहीं, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए हम लोग आराम आराम से चढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपको रास्ते में ही प्रसाद मिल जाएगा, आप यहीं से ही प्रसाद खरीद लीजिए। तो हम यहाँ पर भैया जी से प्रसाद कर ले लिए थे। तो दोस्तों डिब्बे की प्राइस 100 रुपया थी और थाली की प्राइस 150 रुपया थी। तो अब हम लोग प्रसाद ले लिए हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देख लीजिए हमारा सामने मंजिल मिल गया है, भगवान तुंगनाथ जी का गेट दिख गया है, और जितनी सारी कष्ट थी रास्ते में, पैर वगैरह जो भी दर्द हो रहे थे, सारे कष्ट दूर हो गए हैं। अब हम लोग भगवान जी के दर्शन करेंगे, तो आगे चल के हम लोग अपना शूज सॉक्स सब रिमूव कर देंगे और मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे और भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे। नमः शिवाय, हर हर भूते नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भूते नमः शिवाय। नमः शिवाय।
तो दोस्तों बर्फ बारिश हो रही है और पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। कुछ टाइम बाद पैर जो है सुन्न हो जाते हैं बर्फ में, पैर पड़ते पड़ते, तो टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि हाँ ठंडा है ठंडा है, थोड़ी टाइम बाद आप बैलेंस में आपके पैर आ जाते हैं। तो अब भगवान का नाम लेते लेते अंदर चले जाइए, अंदर लाइन लगी हुई है थोड़ी सी। हम लोग चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो देखते हैं, तो दोस्तों हम लोग तुंगनाथ में आ गए हैं और तुंगनाथ में दर्शन भी कर लिए हैं। चंद्रशिला में बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ी है, आप देख सकते हो कि बर्फ कितनी पड़ी हुई है। आप ये देख लीजिए बर्फ कितनी पड़ी हुई है। और इस मौसम में अगर आप तुंगनाथ दर्शन के लिए आते हो, मात्र 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, आप बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और सच बता रहे हैं, चढ़ाई थोड़ी सी टिपकल है लेकिन आप मंदिर में आओगे ना तो जो आपको सुख और शांति मिलेगी वो कहीं नहीं है। लेह लद्दाख जाना भूल जाओगे अगर आप भोलेनाथ के दरबार में आओगे। तो हम आप ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर ग्लव्स और शूज सबके साथ आइएगा। हम लोग हाइपर वाला शूज नहीं पहने हैं इसीलिए हम लोग चंद्रशिला में नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे जाने की। तो दोस्तों यहाँ पे भीड़ देख लीजिए कितनी भीड़ है और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये देख लीजिए अब दर्शन भी हो गई है और तुंगनाथ ओपन भी हो गया मंदिर। अब हम लोग सोच रहे हैं निकलते हैं। अब हर हर भोले जय भोले, हर नमः शिवाय हर नमः शिवाय। यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, नहीं तो बद्रीनाथ, नहीं तो चंद्रशिला। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं मौसम के। बाय बाय दादा, थोड़ा सा और बचा है 500 मीटर, बस 500 मीटर बचे। आगे बढ़